तो देखिए मूसलाधार बारिश हो रही है, मानसून का समय है और ऐसे में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है चारों तरफ। जहां कहीं भी नजर डाल रहे हैं पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बाढ़ ने कहर मचा रखा है। पुणे में सड़कें बनी समंदर, बड़ोदरा में बारिश आई मुसीबत आई, लोनावला में मुसीबत वाली बारिश, उत्तराखंड के चमोली में पुलिस बनी देवदूत, पूरब से लेकर पश्चिम तक पानी पानी जिंदगानी। पूरे देश को मानसून ने अपने कब्जे में ले रखा है। चारों तरफ बाढ़ बारिश से प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र हो या गुजरात, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, चारों तरफ हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हुआ है तो मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के लोनावली की, जो अब टापू बन चुके हैं। लोगों की सांस हलक में फंस चुकी है, दूर दूर तक पानी दिख रहा है और जिंदगी उसी पानी के बीच फंसी नजर आ रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ही घर में रहने को मजबूर हैं। हालात तो ये हैं कि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी बन चुकी सड़कों को पार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र के पुणे की, जहां आसमान से बरसी आफत ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है, सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, जिसने पुणे जैसे शहर में जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया है। महाराष्ट्र की तरह ही गुजरात के बड़ोदरा में भी मूसलाधार मुसीबत की मार पड़ी है। सैलाब ने पूरे शहर की शक्ल बिगाड़ कर रख दी। लोग पानी में ही अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। सैलाब और सितम से लोग परेशान हैं और इंद्रदेव से इस कहर को रोकने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जहां एक तरफ शहरों में पानी पानी है तो उत्तराखंड की नदियों का भी यही हाल है। जल प्रलय जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, चारों तरफ पानी का कहर है। बारिश की प्रचंड मार से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसमें अब जिंदगी फंस कर रह गई। चमोली की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज बहाव के बीच एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगा रहा है, अपनी सांसें बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, जिससे बाद में पुलिस के जवानों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया। एक तरफ बाढ़ बारिश का कहर, दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी प्रचंड मार देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां पहाड़ों से पत्थर ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। रास्ते बंद हो चुके हैं, जिंदगी एक जगह फंस कर रह गई है। जहां देखो तबाही की तस्वीर आपको दिखाई देगी, जहां तक देखो वहां तक आपको पानी भरा दिखाई देगा। जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें चारों तरफ हाहाकार मचा रही हैं। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है तो कई राज्यों में आसमान से गिर रही आफत ने कहर बरपा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली में तेजपाल हत्याकांड मामले में आसिफ और अशरफ दोनों अभी तक फरार चल रहे हैं। कई गिरफ्तारियां हो चुकी है इस पूरे मामले में, लगातार योगी सरकार इस पूरे मामले में एक्शन में भी है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को भी किया जा रहा है, दंगाइयों को चुन चुन कर एक्शन पे ले रही है योगी सरकार। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और उसको लेकर छापेमारी तेज हो गई है। संभावित ठिकानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। घरों में तोड़फोड़, पथराव, फायरिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें एक एक को चिन्हित किया गया। तेजपाल हत्याकांड मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जो मुख्य आरोपी है आसिफ और अशरफ, ये दोनों अभी तक फरार चल रहे हैं और इनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी का सिलसिला भी बना हुआ है, लेकिन परिवार जो है वो लगातार इंसाफ मांग रहा है। आपको बता दें मुहर्रम के जुलूस के दौरान हमला किया था तेजपाल हत्याकांड मामला, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह
ये जो भाईचारा गैंग है वो अभी तक इस पूरे मामले पर मौन बना हुआ है, चुप्पी साधे हुए है। तमाम कहा सुनी, हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ के इस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा न गलत होने देते हैं और न ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते हैं। यही कारण है कि अकबर नगर से बाबा का बुलडोजर बरेली की तरफ घूम चुका है। बरेली की सड़कों पर पीला पंजा आरोपियों के घर की तरफ बढ़ चुका है। हिंदू परिवारों पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। लाइन से तकरीबन 10 घर बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। संभवतः ये उन्हीं के घर बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो हिंसा 19 तारीख को हुई उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हुए थे। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर आप देख रहे हैं जिस जो कि अब बुलडोजर जब यहाँ पर चला तो ये घर जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर बने हुआ। हालांकि लोगों का भी कहना है कि अगर इस तरीके से हुड़दंग होगा, इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा होगा तो कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई करना जरूरी है। हिंसा के बाद से कई लोग फरार है, तो देखेंगे आसपास के जो घर हैं उनके दरवाजे तो खुले हुए हैं लेकिन घरों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बाबा का बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है। कई आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। मोहर्रम जुलूस के दौरान विवाद के बाद मर्डर मामले में 75 लोगों के खिलाफ केस दर्ज गए। इनमें 10 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। इस कार्रवाई के पीछे की वजह क्या है? इनका ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर घर बनाना। यूपी प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियां चिन्हित की है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद बनाने के आरोप हैं। बाकी जमीन पर पक्के मकान बनाकर कब्जा किया गया। अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां मुठभेड़ के दौरान की गई। उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। इसके अतिरिक्त गांव में प्रशासन द्वारा ये देखा गया कि कई आरोपियों के द्वारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन द्वारा वहां से अतिक्रमण हटाया गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है पुलिस की मौजूदगी में। अशरफ और आसिफ के मकान मिट्टी में मिला दिए गए हैं, मिट्टी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तेजपाल को इंसाफ मिलना बाकी है। और उस शाम को करीब 9 बजे 8:30 बजे मतलब हमारे घरों में उन लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। 19 तारीख की रात को मतलब करीब 8:30-9 बजे कितने लोग आए थे? 70-80 लोग थे और 60-70 उन लोगों पे असले थे। डंडे लेके आए, गोलीबाजी चली रहा था। फायरिंग हुई? हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग सर 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा, हाँ जी। तो कितने लोग घायल हुए आपके पक्ष के? ये हुए लोग 6-7। मेरे भाई खेत पात पे जा रहे थे तो सभी लोगों ने घेर के मारा था। किसने? आधे मारे थे मेरे तेजपाल भाई को। घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की भारी तैनाती है। अब बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है और पुलिस बाकी आरोपियों के तलाश में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको मुरादाबाद से बताते हैं, जहां पर ब्यूटी पार्लर की संचालक पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।